इसी टाइम होने हैं। डॉक्टर अखबार ना खड़े हो, तुझे थोड़ा पीछे हो जाओ। पीछे रहो थोड़ा, देखा है बराबर। डॉक्टर को हटो आगे। तू स्कोर लिखाओ, देखा वो नाम बताई तो
आयोजित हूँ। उधर देखिए खेल, अंपायर खेल देखिए, अंपायर खेल पर ध्यान दे, बहुत अच्छा है, पारे की तरफ से सफलता मिली है और मिलेगा अजंता को। अजंता पहुंच चुकी है साथ, जबकि कृपया नमन चार एक बार फिर से सिरों में कर रहे हैं, सलाम पत्थर से दे दिया, इनको गांव मिल गया। काफी ज्यादा आराम सदी हुई है टीम, क्योंकि दोनों टीमें महान टीमें हैं, दूर दूर खेलने जाती है, प्रसिद्ध टीमें हैं, फेमस टीमें हैं, हनुमान जी जिसके लिए जाने जाते हैं वही करके दिखाते हैं, लेकर के भूलना चाहते हैं टाइट खेल बहुत बहुत अच्छा
बहुत बड़ा मुकाबला चलता हुआ दोनों टीमों के बीच में, कभी एकर तो कभी वो आ गए अपने टीम में जान लाकर तगड़ा है बच्चे बढ़िया हेलो तैयार है उसके बाद में चपला टाइगर नेपाल जूनियर से होगा चपला टाइगर नेपाल यहाँ प्रोग्राम का मुकाबला चलता हुआ बहुत ही अच्छा खेल चल रहा है और हम मां भी नहीं कर रहे हैं जो अच्छे खिलाड़ी है जाने माने खिलाड़ी हैं अपने टीम को कभी कमजोर कर देते हैं टीम में और ये गतिया के दोस्त खिलाड़ी रेडी करने के लिए और बहुत ही क्या आता है गली को दर्शकों ने भर रखा है सही में किसी का भी हाथ में टूट जाएगा कोई जिम्मेदारी नहीं है टूट जाएगा तो कोई जिम्मेदारी नहीं बड़ा भैया तो पीछे हो जाओ उसके बाद बताया जाएगा कौन बड़ा बनाया है कौन पीछे इसके बाद शेष कुर्सी ने समझ लिया तगड़ा है सौरव मार दे अयोध्या की टीम ने एक अंक का मान बना लिया है और काहन के पास एक बनाने का उनकी मात्र चपट टिकट आ रहे हैं देखना है क्या होता है अयोध्या के पास दो अंक का बहुत हो चुका है भाव देख रहे बड़ी खराब मौका सुपर टेकल का लेकिन कोई फायदा नहीं मिलने वाला अयोध्या के खिलाड़ी बहुत होशियार है शहीद 7 नंबर की जर्सी में गोपिया टपाकर की तरफ से रेड करते हुए देख रहा है क्या शहीद अपने टीम को आगे पहुंचा पाते हैं या नहीं हनुमान तैयार है रेड के लिए लेकिन पांडे जी रेड कर रहे समय अयोध्या की तरफ से मुकाबला बहुत अच्छा लाली का छोटा खेल हो रहा है दर्शकों की सांसें थमी हुई है क्योंकि मुकाबला बहुत तगड़ा है बढ़िया गेम एक अच्छा खेल स्वर्गीय बलबीर सिंह कबड्डी टूर्नामेंट ग्राम और पोस्ट ड्राइव कला में चल रहा है सपाटे का आराम है एक बार कैप्टन खुद जिम्मेदारी लेकर रेड करने गए हैं देखना है क्या कुछ कर पाते हैं यही कैप्टन भगवान
जिसके लिए जाने जाते हैं, अपने टीम को बढ़त दिला पाते हैं या नहीं, प्रयास जारी है। स्वर्गीय प्रवीर सिंह के नाम पर एक कबड्डी टूर्नामेंट कराया जा रहा है, हर वर्ष होता है। विजेता टीम 21-22 की अयोध्या की टीम है। सलमान भाई दो बार ट्रैफिक पर कब्जा कर चुके हैं और तीसरी बार मेहनत कर रहे हैं। ये चमचमाती हुई ट्रैफिक कौन ले जाएगा, समय बताएगा। एक बार फिर से अयोध्या का रेडर रेड करता हुआ और सफलता मिल गया। एक कार बनेगा अयोध्या की टीम को। 2-1 की तरफ से पहले 17 नंबर की जर्सी में रेड कर दिए हैं। 2-1 रेड है, देखना है क्या कुछ कर पाते हैं या नहीं। इसमें या तो मारेंगे या तो मरेंगे, चांस नहीं है इसे लौटने का। देखना है क्या उनका मेहनत कामयाब होता है या नहीं। फिलहाल एक अंक से आगे है गुफिया भी। प्रयास तो पूर्ण किया गया लेकिन कामयाबी शायद नहीं मिला है। रेडर सुपर टेकल आज है, रेडर रेड कर रहा है। देखना है इस बार क्या होता है। गुफिया के खिलाड़ी बहुत चतुर खिलाड़ी है, बहुत अच्छा फंसा लिया है और फंसा ही लिया। शिवम रेड कर रहे हैं, समय गुफिया दबंग की तरफ से काफी ज्यादा अंक ले जा चुके हैं शिवम, जिसके लिए जाने जाते हैं। बाहर के दिखाते हैं और बारिश का प्रयास, लेकिन यहाँ पर अंपायर का डिसीजन ही सम्मान होगा, कोई बारिश नहीं। सुपर टेकल आज है, एक बार फिर से गुफिया के पास में मौका है, क्योंकि सुपर टेकल का मौका जो गुफिया है। बढ़िया रेड, सोच और विचार के साथ में रेड करने की जरूरत है अयोध्या को, क्योंकि 3 अंक के आसपास आगे चल रही है गोपिया की टीम 3 अंक के साथ। एक बार फिर से शिवम गोपिया के रेडर है, ऑलराउंडर प्लेयर है, अपने टीम को मजबूत स्थिति में अगर लाया है तो वो शिवम ने, क्योंकि शिवम का अथक प्रयास से गुफिया दबंग बाहर है। जिसको लगातार स्कोर में जाता होता हुआ गुफिया के टीम को, 4 प्लेयर हो चुके हैं गुफिया के पास। देखना है क्या सलमान जी कामयाब होते हैं या नहीं, क्योंकि बहुत अरे बड़ा भैया अरे अगवा सट जाओ, टीम को मजबूत स्थिति में अकेले दम पर कर सकते हैं, शिवम एक बार फिर से चार अंक का बहुत बना चुकी है टीम गुफिया, जो कि नेपाल बॉर्डर से चलकर खेलने आई है। बड़ा भैया आए अगवा सट जाओ। पांडे जी की तरफ से देखने को मिल रहा है गोपिया 5 अंक के बहुत बना चुकी है। एक बढ़िया मुकाबला खेल रही आज अयोध्या से नारायणपुर की धरती पर स्वर्गीय बलवीर सिंह कबड्डी टूर्नामेंट प्रबंधक मान्य श्री मनी। इस टूर्नामेंट के 2 बार विजेता
हनुमान जी टूर्नामेंट में दो बार विजेता हो चुके हैं। अकेले में पलटे का नमस्ते। अभी महेश का कुछ कहा नहीं जा सके। टू अंडर फाउल है। यहाँ पर फिर से शुरुआत करती हुई क्या वापसी कर पाती है मैच में या नहीं देखना है। बहुत अच्छा सफर टेकर आ रहे अरुण मिश्रा चूकना नहीं उधर अयोध्या अयोध्या 24 बोनस का प्रयास बोनस हो रही है। अंपायर ने फैसला उठा दिया। अंपायर ने एक बार फिर से अयोध्या के खिलाड़ी 5 मिनट समय का वापसी कर पाते हैं। अयोध्या के टीम को नहीं लीड लगा देता है अभी लगातार कोशिश जारी है अयोध्या की तरफ से। क्या अयोध्या की टीम फिर से वापसी कर पाती है या नहीं समय पर ध्यान के ऊपर टाइम कीपर भी लग रहा है टाइम देख रहा है लगातार टाइम चल रहा है। हनुमान जी पंजाब के सुपर रह मारेंगे तो मुकाबला कौन सा कहा रहना चलता है या तो अयोध्या की तरफ से बहुत अच्छे लगातार मैच के जबिया की टीम 37-17 गोपिया 10 अंक से आगे चल रही है। इस समय अयोध्या की टीम 10 अंक से पीछे शिव भाई के द्वारा फिर से प्रयास किया जा रहा है। इनके अपने प्रयास से गोपिया को अंदर आ रहा है। इस बार गोपिया की नजर अयोध्या के लिए फायदा होगा।